बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ बदला उसका एक असम कनेक्शन भी था, लेकिन दुर्भाग्य से असम में भी बाढ़ की तस्वीर है और मुंबई की सड़कों की तस्वीर हमने आपको बताई। असम में बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई हैं। अब भी लोग टेंट में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। असम में आई बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लोगों के आशियाने डूब गए, लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। असम के बरपेटा में पानी तो काफी हद तक उतर गया है, लेकिन लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं। लोग सड़क किनारे टेंट लगाकर जीने को मजबूर हैं। बच्चे महिलाएं हर कोई मुश्किलों का सामना कर रहा है। जन्म से आज तक नहीं देखा इतना सारा मतलब पानी हुआ, इतना सारा मतलब बाढ़ हुआ है। जितना भी लोगों का जो घर है मतलब पूरा का पूरा मतलब घर जो डूब गया, कोई जगह नहीं कि मतलब जैसे कि वहाँ पे ठहर सके मतलब रह सके। देखिए ये सब मतलब घर है रास्ता में आके मतलब छोटा मतलब तंबू बना के मतलब घर बना के मतलब लोग रह रहा है। बहुत सारा दिक्कत का सामना कर रहे हैं ये सब लोग। हम लोग मतलब बहुत परेशान में है। असम के कामरूप इलाके में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पानी उतरने के बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। सड़कें पानी में बह गई, जो बची हैं प्रशासन गांव वालों की मदद से बांस के सहारे उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आने जाने में लोगों को सहूलियत हो। तो तपती गर्मी से मानसून के बादल कुछ राहत लेकर तो आते हैं, लेकिन साथ ही बाढ़ की आफत लेकर भी आते हैं। भारी बारिश और नदियों के उफान की वजह से तस्वीरें बाढ़ की असम में हैं, तो साथ ही बिहार के कटिहार के कुछ गांव भी डूब गए। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का बहाव तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो। तस्वीरें बिहार के कटिहार की है। महानंदा और रीगा नदी में उफान की वजह से बारसाई इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग बड़ी मुश्किल से सैलाब के बीच इस टूटी फूटी पुलिया से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। डर और खौफ इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। तेज बहाव की वजह से कटान हो रही है, जिससे ये बची हुई उम्मीद भी कब सैलाब में बह जाए इसका पता नहीं। 5 साल पहले बाढ़ के पानी में नर्गदा गाँव के पास बना डायवर्जन ब्रिज टूट गया था, लेकिन आज तक नहीं बना। लोगों के सामने चुनौती बड़ी है, लिहाजा प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को जल्द ब्रिज निर्माण का भरोसा दिया। देखना ये है कि इस बार भी सिर्फ खाना पूर्ति भर होती है या कुछ काम भी होता है। तो बाढ़ और बारिश की तस्वीरें देश के पूर्वोत्तर इलाकों से हैं, तो साथ ही दक्षिण पश्चिम के राज्य कर्नाटक से भी सामने आ रही है। कर्नाटक में जबरदस्त बारिश हो रही है और यहाँ के दक्षिण कन्नड़ा जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एहतियातन स्कूल और कॉलेज में छुट्टी करने की नौबत पड़ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे स्कूल घुटनों से ज्यादा पानी में जाने को मजबूर हैं। रास्तों पर पानी भरा हुआ है और वाहन इसी पानी भरी सड़क पर चलने को मजबूर है। ये आम लोगों की मुसीबत की तस्वीर है, जो अक्सर शहरों में उन तमाम इंतजामों की पोल खोलती है जो साफ सफाई को लेकर किए जाते हैं। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है।
सूर्य सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।